तो आज हम लोग जा रहे हैं शूट पे। तो आज मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, आप लोगों को क्या बोलूँ। मेरे को एक ड्रीम था कि मैं आगोमोनी शूट करूँ, तो आज मैं जा रही हूँ आगोमोनी शूट करने के लिए। मेकअप तो हमने किया है जितना हमसे हो पाया उतना, हमने मेकअप आर्टिस्ट नहीं बुलाया, हम अपने खुद से ही मतलब जितना भी मेकअप किया है ये क्रेडिट सिर्फ रितु पे जाता है, क्योंकि रितु ने मेकअप किया है। और आज मेरा एक ड्रीम पूरा हो रहा है कि मैं आगोमोनी लुक जो है आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो अभी बहुत गर्मी हो रही है, माधव को छोड़ के उसकी मामा के घर में, तो मेरे साथ रितु भी है और बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। इसको पहन के ना बहुत दिक्कत हो रहा है, पूरा लिपस्टिक ख़राब हो जा रहा है इस नदनी को पहन के। और गाइस देखो, रितु भी मेरे साथ आगोमोनी शूट पे चल रही है और उसको भी कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताना। तो हम दोनों भाभी एंड ननद दोनों जा रहे हैं आगोमोनी शूट पे। तो हम दोनों बहुत टाइम से बोल रहे थे कि शूट पे जाएंगे, फाइनली हम आ गए हैं। और गाइस पता है, हमें सबसे पहले आते ही हमें एक चीज़ दिखा, वो दिखा आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड को मैंने मजाक में बोली थी कि मैंने आपको गिफ्ट किया है, यहाँ पे एक ना बोतल मिली थी हमें, तो यहाँ मैं अपने पति को चिढ़ा रही थी, मजाक करी थी उनके साथ। तो ये बोल रहे थे कि मैं ही तो छोड़ के गया था यहाँ पे, तो यही सब मजाक चल रहा था। अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं और यहाँ मैं उस दिन देखी गई थी ये रास्ता, और मुझे लगा एक जोक, देखो कितना बड़ा सा, तो मतलब छोटा लगा लेकिन खून पीते पीते बड़ा हो गया था, तो अब ब्लड निकल रहा है काफ़ी। तो हम गाड़ी में आए, रितु और हम दोनों ने पहले चेक किया तो कहीं नहीं था, बस वहीं पे मेरे पीठ पे लगा था क्योंकि मैं लेट गई थी वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने लेट के भी शूट किया था। तो देखो काफ़ी, देखो ब्लड निकला काफ़ी ज़्यादा। तो गाइज चलो, अभी हमें बाकी थोड़ा बहुत रील बनाना है, उसके बाद मैं घर जाऊंगी क्योंकि मेरे को लग रही है अभी गर्मी, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अभी हम लोग एसी चला के बैठे हैं अंदर, घर से फ़ोन भी आ गया, 2 मिनट मैं जा नहीं पाई कि मम्मी का फ़ोन आ गया कि माधव रो रहा है, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा घर। और चलो अभी चलते हैं घर की और थोड़ा बहुत रील बना के। और चलो अभी देखो गाइज, हम लोग जा रहे हैं सितारगंज, शूट से आने के बाद हम फ्रेश होके फिर हम सितारगंज आए हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा मोबाइल कवर ख़रीदना है, मोबाइल कवर की बहुत ज़रूरत है मुझे, और कुछ ठीक ठाक भी करवाना है, ग्लास भी लगवाना है मुझे, काफ़ी सारे फ़ोन का काम है। और देखो होता यह है ना कि थोड़ा बहुत अगर आईफोन का अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है ना, तो फिर एकदम से दिल मचलने लगता है कि चलो ग्लास बदल के आते हैं, कवर ख़रीद के लेके आते हैं। क्योंकि हमारा ना काफ़ी टाइम से एक ड्रीम था कि हम आईफोन ख़रीदेंगे, और ठाकुर जी की कृपा से हमारे दोनों जने के पास आईफोन है, तो कुछ भी होता है ना प्रॉब्लम, तो छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो तुरंत चले जाते हैं ग्लास लगवाने के लिए, उसके बाद कवर लेने के लिए, काफ़ी कुछ होता है छोटा मोटा चीज़, तो हम चले आते हैं यहाँ पे। और इधर आते ही माधव को भी लेके आई हूँ, माधव बहुत शैतानी कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा दौड़ा दौड़ी, बहुत ही हमें 2 मिनट ना बैठने नहीं दे रहा है, हमें कवर ख़रीदना है तो हम कवर ख़रीद ही नहीं पा रहे हैं। और मुझे डर लगता है क्योंकि यहाँ मतलब देखो यार, अनजान जगह है, कौन कहाँ से आते हैं और क्या क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसके साथ साथ रहती हूँ हमेशा। मैं थक गई हूँ, थकने के बाद थोड़ा सा यहाँ नीचे यहाँ चेयर पे बैठ गई हूँ, लेकिन इसको थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही है क्योंकि इसको खेलना है। और उसके पापा को मैंने लगा दिया है, मैंने बोला है आप ही देखो, और यहाँ देखो कितना शैतानी कर रहा है ये लड़का, बहुत ही शैतानी करता है, कहीं ले जाने लायक नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी जाओ कुर्सी 2-3 बार उन्होंने फेंक दिया। और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं ना, सब लोग अपना काम छोड़ के देखते रहते हैं कि इस बच्चे ने क्या गिराया, इस बच्चे ने क्या गिराया। तो इधर ना मेरे से छुपन छुपाई भी खेल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो खेलता है ना, बहुत प्यारा लगता है। और हम लोगों ने यहाँ से कवर ख़रीद लिया है, हम आ गए हैं घर, और ये वाला सुपर मारियो लिया है हम लोगों ने, काफ़ी कुछ शॉपिंग भी की है थोड़ी बहुत, जो कि सुबह के लिए है, और थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लिया है। तो ये मैंने बोला है माधव के लिए लिया है एक क्रीम रोल, तो उसने अभी ये खाया, थोड़ा सा खिलाते हैं देखते हैं कैसा लगता है। तो ये ना उंगली से खा रहा था, और ये पहली बार मैं देख के ना एकदम मैं वीडियो कर रही थी, और इसने देख लिया कि मैंने इसका वीडियो कर रही हूँ, तो इसने मुझे देख लिया है, और उसके बाद ना ये फ़ोन छीनने के लिए आया है। तो चलो ये अगेन देखो ये किस तरीके से है ना, यहाँ पे ये चीज़ लगा हुआ है, तो लेकिन ये सही जगह में उंगली डाल नहीं पा रहा है। तो देखो फिर मैंने बाद में इसको अच्छे तरीके से बोला कि इधर नहीं, इसमें डालो करके, तो फिर जाके उसने पैकेट में ही उंगली दिया।
फिर जाके इसकी उंगली में चीज़ लगा तो इसने मुँह में डाल दिया। बहुत ही फनी हो रखा है आजकल ये, मतलब समझदार हो रहा है धीरे धीरे, बहुत एक्टिविटी आ रही है इसके अंदर। तो देखो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर।